विश्लेषण आपके सामने कुंडली बना हुआ है, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ ठीक से बताना होता है और टाइम ऑफ बर्थ ठीक से बताना होता है और प्लेस ऑफ बर्थ ठीक से बताना होता है, तब आपका भी कुंडली एनालिसिस वीडियो बन जाता है। कुंडली एनालिसिस वीडियो देखो, मैं एक दिन में एक ही वीडियो बना पाता हूँ क्योंकि इस वीडियो में आपको पता है बहुत मेहनत लगती है। वैसे तो मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, कोशिश मेरी यही है कि लाइव करके आपको हर तरह से समझाना, लॉजिकली आपके साथ क्यों होता है ऐसा उस चीज़ को लॉजिकली प्रूफ करके बताना, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाहता हूँ मैं और क्या आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आप खुद सीख सकते हो कुंडली, खुद को सीखो, खुद सीखो कुंडली, तभी आपको फ़ायदा होगा। आप हर जगह हर एस्ट्रोलॉजर के पास मत घूमो, आप अगर खुद सीख सकते हो तो आपको बहुत अच्छा होगा, जिससे आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, आप अपना प्रिडिक्शन खुद निकाल सकते हो इस वीडियो को देख के। अगर आपका यह लग्न का कुंडली बनता है और आपके ग्रह ऐसे प्लेसमेंट है तो आप खुद जान सकते हो कि हाँ मेरा भी यह लग्न बनता है और मुझे भी ये दिक्कतें होती है, इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कुंडली। तो अगर आपको भी वीडियो एनालिसिस कुंडली कराना हो तो मैं वीकेंड पे संडे के दिन डालता हूँ कुंडली एक एनालिसिस का वीडियो। तो आपको भी क्या करना है, कमेंट में डेट ऑफ बर्थ ठीक से देना है, टाइम ऑफ बर्थ ठीक से देना है और प्लेस ऑफ बर्थ ठीक से देना है, लेकिन ध्यान रखना पूरा वीडियो देखकर ही कमेंट करें, तभी आपका कुंडली सेलेक्ट होगा, नहीं तो आपका वीडियो एनालिसिस के कुंडली सेलेक्ट नहीं होता है। देखो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक फीमेल की कुंडली है, जातिका की कुंडली है, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 29 नवंबर 1919 का डेट ऑफ बर्थ है। इनका टाइम ऑफ बर्थ जो इन्होंने बताया रात का, मतलब रात का 12 AM का है, और इन्होंने प्लेस जो बताया अपना दिल्ली बताया है। तो इनकी जो कुंडली बनती है, देखते हैं कुंडली किस लग्न की बनती है। इनकी कुंडली जो बनती है वो यहाँ पर इनके फर्स्ट हाउस में जो लिखा है 5 नंबर लिखा है, ये लग्न है इनका 5 नंबर लिखा है, मतलब इनकी जो कुंडली बनती है वो बनती है सिंह लग्न की, सिंह लग्न की कुंडली बनती है, सिंह लग्न की कुंडली बनती है। अब अच्छे से देख लो, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, कुंडली बनती है राइट। अब देखो सिंह लग्न से बनती है तो पूरा नंबर लिख लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। आप आराम से इस वीडियो को देखो, आपको लॉजिक समझ में आएंगे और कुंडली सीखने का भी मज़ा आएगा। अगर आपको सही में खुद को सीखना है और आपको खुद के अपने बारे में जानना है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, कमेंट करो। काफ़ी लोग मेरा वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। अगर आपको अपना वीडियो एनालिसिस चाहिए तो आपको सिर्फ 1 मिनट लगता है एक वीडियो को लाइक करने और 5 मिनट का वीडियो देखने में, तो 5 मिनट आप दोगे, मैं अपना पूरा 15-20 मिनट देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए इनका सिंह लग्न का कुंडली बनता है और इसके जो ग्रह के प्लेसमेंट है वो कहाँ बनता है, देखो 5 नंबर इनका खाली है, 6 नंबर खाली, 7 नंबर खाली। इनका सीधा जो है यहाँ पर सूर्य इनका लग्नेश जो बैठता है यहाँ पर बैठता है और शुक्र यहाँ पर बैठा है, शुक्र इनका अस्त है, शुक्र अस्त है इनका। एक तो पराक्रम भाव का मालिक बनता है, मैं बार बार बताता हूँ ये पराक्रम भाव है, शुक्र एक तो इनका पराक्रम भाव का मालिक बनता है और एक इनका दशम भाव का मालिक बनता है, कैरियर का मालिक बनता है। अब एक चीज़ सोचो, जब शुक्र अस्त है वो अपने रिजल्ट ही नहीं दे पाएगा, शुक्र यदि अस्त है वो अपना रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा तो इनको क्या करना चाहिए, रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। रीज़न, इनका शुक्र का पावर सूर्य ने अपनी एनर्जी से कम कर दिया है, इनकी एनर्जी से कम कर दिया है, इसलिए ये रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, या तो शुक्र को आप अपने मंत्रों से महालक्ष्मी चालीसा से मजबूत करो, या फिर ओपल स्टोन आप धारण करो। ओपल स्टोन धारण करने से आपका शुक्र पावरफुल होगा, जिससे आपका कैरियर लाइफ में स्ट्रोंगनेस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ये एक लॉजिक बनता है, क्योंकि एक अस्त होने की वजह से इनका पावर कमज़ोर हो गया, निर्बल हो गया, तो आपको ये रिजल्ट देने में समर्थ नहीं है, इसलिए ओपल स्टोन पहनो या महालक्ष्मी का चालीसा पढ़ो। अब देखिए 9th हाउस में इनके बैठा है बुध और शनि। अब बुध इनको बुद्धि बहुत देता है, इंटेलिजेंस ही बहुत देता है, लेकिन शनि इनको आलस भी देगा, लेजीनेस भी देगा, यहाँ से इंटेलिजेंसी भी देगा। इंटेलिजेंट बहुत है, त्रिकोण से बुध को यहाँ लेके आएंगे तो इंटेलिजेंस ही बहुत दिखाता है, लेकिन शनि के साथ है तो ये थोड़ा बहुत आलस नेचर भी रहेंगे, लेजीनेस भी इनके अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं, देखो इनका जो राहु बैठा है वो मकर राशि में,
छठे भाव में बैठा है। राहु यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा इनको, राहु बहुत अच्छा बैठा है यहाँ पर, मकर राशि में सिक्स हाउस में बैठा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज इनको थोड़ा बहुत दे सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, हेल्थ इश्यूज अचानक सडन से दे सकता है, इश्यूज दे सकता है, क्योंकि राहु सिक्स हाउस में कहीं ना कहीं अचानक रिजल्ट देता है, वो अनकर देता रहेगा। अब देखिए इनका चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, एट हाउस का जो चंद्रमा होता है वो पीड़ित हो जाता है, एट हाउस का चंद्रमा क्या कहता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत देता है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस बहुत देता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, पूर्णिमा का फास्ट करें और अगले दिन रात को खीर बनाकर रखें, अगले दिन उसको खाएं, रात को खीर बनाकर रखें, हर पूर्णिमा का फास्ट करें, रात को खीर बनाकर रखें, नेक्स्ट डे उसको खाएं, नेक्स्ट डे उसको खाएं, लॉजिकली आपको रेमेडीज भी दे रहा हूँ, नेक्स्ट डे उसको खाएं, तो आपका मेंटल स्ट्रेस, अनस्टेबिलिटी लाइफ में नहीं रहेगी, मेंटल स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, आपको उससे फ़ायदा होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो इनके जो है मंगल यहाँ पर वक्री होकर बैठा है, मंगल यहाँ पर वक्री होकर, मतलब मंगल यहाँ का भी रिजल्ट दे रहा है, यहाँ का भी रिजल्ट है। अब नाइन्थ हाउस का लोड, नाइन्थ हाउस का लोड टेंथ हाउस में आने से एक राजयोग बनता है, टेंथ हाउस में आने से मतलब इनके कैरियर में जो है फायदा बहुत देगा, बट कैसे देगा, जब शुक्र मजबूत होगा फायदा बहुत देगा, लेकिन इसका लोड मजबूत होना जरूरी है, टेंथ हाउस का लोड मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगल भाग्य भाव का मालिक टेंथ हाउस में वक्री है, मतलब दोनों घरों के रिजल्ट दे रहे हैं, यहाँ के भी 50% देगा, यहाँ के भी 50% देगा, ओवरऑल आपको फायदा देगा जब आपका दशम भाव का मालिक भी मजबूत होगा और उसकी दृष्टि भी पड़ती है, आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनता है कुंडली में। अब बात करते हैं, देखो इनका गुरु जो बैठा है, गुरु और केतु ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, ये क्या दिखाता है, ऐसे लोग स्पिरिचुअल बहुत होंगे, स्पिरिचुअली बहुत होंगे, परोपकारी बहुत होंगे, दया बहुत आती होगी इनको, परोपकारी भी बहुत होंगे, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि गुरु केतु स्पिरिचुअल बनाता है, ये इनका लाइफ का जो जन्म है, हो सकता है आखिरी जन्म हो, यहाँ पर मीन राशि होती तो 100% वही होता, बट यहाँ पर गुरु केतु का योग जो बताता है ट्वेल्थ हाउस में, ये स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड है और काफ़ी ज़्यादा इनको धार्मिक कामों में पसंद है। अब देखो गुरु और सूर्य त्रिकोण में है और सूर्य के त्रिकोण में चंद्रमा है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी इनको ईश्वरीय शक्ति जरूर मिलेगी, कहीं ना कहीं जो दिक्कत आ रही है वो आपके टेंथ हाउस के लोड से आ रही है, इसकी वजह से आपको ओपन स्टोन पहनना चाहिए और कोई भी तरह का स्टोन नहीं पहनना चाहिए, आपको रेमेडीज मेंटल स्ट्रेस के लिए मैंने बता दी है, नाइन्थ हाउस का टेंथ हाउस का जो राजयोग बन रहा है उसमें आपको शुक्र मजबूत करने से आपको फायदा मिलेगा और आपको कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी। अब बात करते हैं देखो इनकी दशा के ऊपर, दशा के ऊपर इनकी जो दशा चल रही है अभी वो चल रही है शुक्र की, शुक्र के बाद में जो सूर्य की दशा आएगी, अब शुक्र की दशा चल रही है मतलब टेंथ हाउस की दशा चल रही है, ओपल स्टोन पहन लेते हैं तो इनको और फायदा होगा, या शुक्र के महालक्ष्मी चालीसा पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन सूर्य की जो दशा आएगी वो आपके लिए गोल्डन पीरियड लेके आएगी, क्योंकि आपके लग्नेश की दशा आएगी, लग्नेश की दशा, लग्नेश की दशा का वीडियो आने वाला है, सभी दशाओं का वीडियो आने वाला है, उन वीडियो का आप जरूर पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो यह आपका गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा 2026 से, 2026 से लेके आपका गोल्डन टाइम चलेगा, मैं बता देता हूँ 2026 से लेके आपका जो गोल्डन टाइम चलेगा 2032 तक, ये 6 साल में आप सबसे ज़्यादा अर्न करोगे और नेम फेम बनाओगे, आपके पास प्रॉपर्टी भी घर भी सब कुछ बनेगा, प्रॉपर्टी हाउस सब कुछ बनेगा, ये आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको पेड एनालिसिस लेना हो, पेड एनालिसिस लेना हो तो 7044485246 पर आप ले सकते हो, ये मैंने आपकी कुंडली को बता दिया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस रखें और नोटिफिकेशन आने पर आपको जो भी वीडियो मिलता है उसको पूरा देखें, उसमें कमेंट करें, आपका वीडियो एनालिसिस के लिए कुंडली सेलेक्ट हो जाएगा। बने रहें चैनल पर, जुड़े हैं, जय माता दी।